साथियों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना भाई? आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मीनाक्षी, प्रिया, अजय, संदीप, संतोष, प्रशांत घर नहीं गए गुरुजी, आज अभी निकलूंगा बेटा। 2 बजे आप होंगे क्लास खत्म करके, फिर 6 बजे वाली क्लास अलवर से ली जाएगी। मतलब फुल ट्रांजिट में। हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ, मंगल? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए शुरू करें। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो भी विद्यार्थी इस क्लास में नए हैं उन्हें मैं बता दूं, मेरा नाम है अंकित अवस्थी और मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करें, आपको 10% का डिस्काउंट वहां पर प्राप्त होता है। और साथ में अगर कोई भी क्लास, टेस्ट, क्विज वगैरह कुछ भी देखनी हो तो भी आपको यहां पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, दोबारा से शुरू हो चुकी है राइज 2.0। राइज बंद नहीं हुआ था, लेकिन 2.0 में अब प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है दोबारा से। ये एक टेस्ट सीरीज है जो कि अनअकैडमी पर उपलब्ध है और ये सुबह आप लोगों के लिए 8:30 बजे उपलब्ध होती है, जिसमें प्रथम 3 विजेताओं को 2000, 1000 और 500 रुपए के अमेज़न गिफ्ट वाउचर दिए जाते हैं। ठीक है ना, इधर से याद रखिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दूं, मार्च का करंट अफेयर रिवाइज करा रहा हूं मैं दोपहर 12 बजे। मार्च का करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन सवालों के साथ में है ना। मार्च 2020 का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे आज हम दोपहर 12 बजे, और 1 बजे 60 क्वेश्चंस को 30 मिनट में सॉल्व करेंगे। 30 मिनट्स किसके? ये आपके एसएससी सेक्शन के अंदर सवाल सॉल्व किए जाएंगे, बहुत ही आसान सवालों के साथ, जो है ना फायर राउंड एक तरह का वो चलाया जाएगा। ठीक है, चलो रेफरल कोड आपको बताई दिया, ये है अपन। शुरू करते हैं आज की जानकारी, लीजिए। सबसे पहली बात जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये क्वेश्चन पर करा चुका हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 10 का करा चुका था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 10 या 11 तक। अरे आगे वाले हम क्वेश्चंस करेंगे और कुछ डेफिनेटली सीखेंगे, है ना। तो इफ आई एम राइट, तुम हम यहां पर पढ़ा चुके हैं, ये वाली चीज मैं करा चुका हूं, है ना, डन हो चुका है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आगे। दिल्ली बिकेम द नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि ये नहीं पूछ रहा है कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी कब बना था, नहीं, इसका नाम है एनसीटी, नेशनल कैपिटल रीजन। ये कब बना था, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो जल्दी से एक बार फटाफट आंसर कर दो, सवाल बहुत ही बढ़िया है और आपको पता होना भी चाहिए। ठीक है ना, ये लीजिए मैंने आपके सामने पोल एक्टिवेट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो राइट क्वेश्चन का आंसर क्या है मेरे प्यारे साथियों, 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ में। एक विद्यार्थी है जो क्लास 9 में पढ़ते हैं और वो मेरी क्लास ही देख रहे हैं, अगर ये मजाक है तो अच्छा नहीं है, अगर ये सच्चाई है तो बहुत ही अच्छी बात है। राजीव लिख रहे हैं क्लास 9 में पढ़ता हूं और आप मेरे बेस्ट टीचर हैं। तो अगर आप क्लास 9 में हैं और करंट और इस तरह की क्लासेस पढ़ रहे हैं तो भैया आपका नाम लिख लेना चाहिए और लोगों को भी, है ना। लेकिन अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों द राइट आंसर इज 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके थ्रू क्या किया गया था, नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है उसको एनसीटी में कन्वर्ट किया गया था, यानी कि दिल्ली को एनसीटी कहा गया था। ठीक है, चलिए इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, आइए हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज और बढ़ाना चाहूंगा आप लोगों को, और वो क्या है साथियों, एक शब्द होता है एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीटी के अंदर तो चलो जो वर्तमान का दिल्ली है वो पता चल गया हमको, एक क्षेत्र होता है एनसीआर। जैसे हम लोग जो है, यानी कि मेरा जो जिला है अलवर, राजस्थान के दो जिले जैसे अलवर और भरतपुर, ये दो जिले जो है ये किसमें आते हैं, एनसीआर में आते हैं। एनसीआर फिर क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों इस एनसीटी के आसपास का एक क्षेत्र निर्धारित किया गया जहां पर भविष्य में दिल्ली बढ़ेगा। भविष्य में दिल्ली बढ़ेगा इसका मतलब हुआ कि दिल्ली के चारों तरफ के ऐसे बफर जोन विकसित किए गए जिसको यह माना गया कि आने वाले टाइम में दिल्ली का विस्तार यहां तक होगा, वो क्षेत्र एनसीआर कहलाए। तो एनसीटी वर्सेस एनसीआर में कंफर्म, मतलब वो कंफ्यूज मत हो जाइएगा बेटा। ठीक है, ये कब आया था 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1991 के अंदर आया था। ठीक है बेटा, चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बैंड द डिफेक्शन ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ ए पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा में किस दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया, कौन सा कानून था जिसमें एंटी डिफेक्शन के आधार पर, मतलब ये प्रतिबंध लगाया गया था, आपसे सवाल पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, कुछ विद्यार्थियों ने तो ये तक आंसर दे दिया कि कौन से ईयर में ये आया था, है ना, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये क्या कहानी है, आइए मैं आपको बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों। इसमें अच्छा, इसमें एक बात बताइए, 52nd अमेंडमेंट आप सबको मालूम है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें भारतीय जो हमारा संविधान है उसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। कौन सी अनुसूची जोड़ी थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी थी एंटी डिफेक्शन लॉ, ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा है इसके अंदर। अच्छा एक बात बताइए, क्या इसके अंदर भी कभी संशोधन हुआ क्या, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985, इसमें भी कभी कोई संशोधन हुआ क्या, और हुआ था तो कब हुआ था? हाँ जी बताइए, एक विद्यार्थी ने बहुत जेन्युइन सवाल पूछा है, सर इसमें अगर स्पीकर भी चला गया तो क्या होगा? बहुत सही, 2003 में हुआ था। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथियों, एक विद्यार्थी का सवाल जल्दबाजी में दिख गया लेकिन मजा आ गया।
2003 में हुआ था 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें क्या हुआ था बेटा 91st वाले के अंदर क्या हुआ था, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट चलिए। तो जिनको एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं पता है उनको तो 91st भी समझ में नहीं आएगा। स्वाति बहुत बढ़िया बेटा, है ना, दो तिहाई, मंडा बिल्कुल सही, मनोला बिल्कुल सही, एसपी सिंह बिल्कुल सही। तो जो एक थर्ड जो है उसकी जगह दो थर्ड कर दिया गया था, दो तिहाई। पहले क्या होता था बच्चों कि एक तिहाई अगर लोग जाते थे, मर्जर की जो कंडीशन थी वो कुछ अलग थी। मर्जर का मतलब होता था कि भाई अगर कोई व्यक्ति एक पार्टी से दूसरी पार्टी में गया तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। लेकिन यहां पर जब पहुंचे इकरामे में संशोधन के द्वारा तो ये कहा गया कि भैया अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता है तो ऐसी स्थिति में दो तिहाई अगर पार्टी के सदस्य शिफ्ट हो गए तो इसे गलत नहीं माना जाएगा। हाँ, 15% वाला भी नियम इसी में आया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। एक विद्यार्थी ने लेकिन इसमें बहुत प्यारा सवाल पूछा था, अगर स्पीकर भी चला गया तो क्या होगा, ये मैं बता देता हूं। ऐसी स्थिति में स्पीकर के पद पर कोई और बैठेगा, वो इस बारे में निर्णय लेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए परेशान मत होइएगा, आगे चलते हैं। हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या पूछा था कि किन की बार बिना चीफ गेस्ट के ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है। हाँ, तो हम सेकंड टाइम कर रहे हैं ना बेटा, 1966 में किया था और अब हम करने जा रहे हैं। Who among the following constitutional amendments was authorized to publish the authorized in the text of the Indian constitution? बताइए कौन सी भाषा के अंदर, यानी कि जो हमारी हिंदी है उसको संविधान संशोधनों के द्वारा प्रकाशित करने की भाषा माना गया था कि भाई हाँ हिंदी में हम कंटेक्स्ट लिख सकते हैं, ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर कही गई बात थी, जल्दी से बताइए, हम सब कर दीजिए। ओके, लीजिए, आता हो तो करिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। क्योंकि असल में होता क्या था ना कि भाई संविधान हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखें, संशोधन कौन सी भाषा में लिखें, ये सारी बातें। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक फैक्चुअल डेटा है, अगर आपको याद रह जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, हाल ही में हिंदी न्यूज में थी, क्या कारण था न्यूज में रहने का, फटाफट बताइए। कुछ दिवस विवस मनाया था हमने, हिंदी दिवस था कि विश्व हिंदी दिवस था, क्या था? हाँ जी, हाँ, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था बेटा, जल्दी से कमेंट बताओ, दो चार चीजें एक साथ याद हो जाएंगी, फटाफट बताइए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? 10 जनवरी को। अच्छा, क्यों मनाया गया था, फटाफट कमेंट में लिखते जाइए। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, क्यों मनाया गया था बेटा? जी हाँ, 1975 के अंदर इस दिन विश्व एक सम्मेलन हुआ था नागपुर के अंदर, है ना, 10 जनवरी 1975 को जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुआ करती थी उस समय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, उसी की याद में हम लोग ये चीज मनाते हैं। ठीक है ना, कब से मनाना शुरू किया बेटा हमने, ये कब से मनाना शुरू किया, 2006 में जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई तब से। अच्छा, एक विश्व हिंदी की जगह हम हिंदी दिवस और मनाते हैं, भारतीय हिंदी दिवस, वो कब है, 14 सितंबर को मनाते हैं, बहुत ही बढ़िया बेटा, ठीक है ना। तो एक बार क्विक फास्ट फॉरवर्ड रिवाइज हो गया। चलिए एक बात और बताइए, अच्छा भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, फटाफट चलते चलिए, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, बहुत बढ़िया, चलिए ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है हमारी। क्या इसके लिए कोई आर्टिकल है क्या भारतीय संविधान में, बहुत बढ़िया, है ना, 343 नंबर आर्टिकल है, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे यहाँ पर भाषाओं को लेकर के कोई भाषा के अधिकारी की भी बात की गई है क्या, कि मतलब ऑफिशियल मतलब लैंग्वेज ऑफिसर होगा जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का ध्यान रखेगा, कौन सा आर्टिकल है वो, अनुसूची नहीं पूछ रहा हूं मैं, 344 के अंदर दी थी, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक बात बताइए, एक सवाल और पूछता हूं मैं आपसे कि भारत की जो भाषा, यार बफर मुझे ही हो रहा है, आप लोगों को भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं डोडू हिल रहा हूं, एक बार मैं रिफ्रेश कर लूं क्या, मुझे खुद को भी बफर दिख रहा है, मेरी फोटो ही दाएं बाएं अटक अटक के चल रही है, एक बार होल्ड करना बेटा, है ना, एक मिनट होल्ड करो बस प्लीज। ठीक है बेटा, चलिए इसके बारे में, अच्छा एक बात और बताइएगा, ये हिंदी के बारे में बात हो गई, भारतीय अनुसूची के अंदर कितनी विषय है, भाषाएं हैं, भारतीय जो आठवीं अनुसूची है उसके अंदर कुल कितनी भाषाएं, 22 भाषाओं का चक्र है, 22 भाषाओं का है, ठीक है सर जी, ठीक बात है। अच्छा, उसमें इंग्लिश शामिल है क्या, उसमें इंग्लिश शामिल है क्या आठवीं अनुसूची के अंदर, नहीं है, है ना, तो उसमें इंग्लिश शामिल नहीं है, ये तथ्य आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो एक बार हमने फास्ट फॉरवर्ड में हिंदी को रिवाइज कर लिया। हाँ, इंग्लिश कहां की राजभाषा है, तो वो नागालैंड की है, ये भी सही। अच्छा बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एन अमेंडमेंट कैन बी मेड टू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कोई भी संशोधन लाना हो तो कैसे लाया जा सकता है, किसके द्वारा लाया जा सकता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है, फटाफट बताइए। लोकसभा, राज्यसभा, ऑप्शन सी नहीं है। कंसीडर एनी एन अमेंडमेंट कैन बी मेड टू ब्रिंग एनी अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संशोधन लाने का उपक्रमण किया जा सकता है, ये अंग्रेजी इसकी सही नहीं है, हिंदी पढ़िएगा। भारतीय संविधान में अगर कोई संशोधन लाना हो तो यह प्रक्रिया कैसे लाई जा सकती है, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक्चुअली क्या है कि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, लेकिन गिवन इन द ऑप्शन अगर आंसर करना हो तो ही हम करेंगे, है ना, गिवन इन द ऑप्शन आंसर दिया जा सकता है, अदरवाइज ये एक और ऑप्शन क्रिएट होता है, इसमें गुंजाइश थी इसमें।
बिल्कुल, आप लोग भी समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? जी हाँ, मतलब तीसरा व्यक्ति राष्ट्रपति भी इसमें कंसीडर किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो गिवन इन द ऑप्शन ये पूछा जा रहा है कौन से सदन से लाई जा सकती है, तो लोकसभा और राज्यसभा से इनिशिएट किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल, ये याद कर लेना बेटा, राज्य सरकारें संविधान संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती हैं। राज्य विधानमंडल, जैसे जो विधानसभा है आपकी राजस्थान में, हमारे जैसे जयपुर विधानसभा है, मतलब राजस्थान के अंदर राजस्थान विधानसभा जो जयपुर में है, वो अपने द्वारा संविधान संशोधन प्रस्तावित नहीं कर सकती है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ, लॉ बना सकती है। लॉ में और संविधान संशोधन में अंतर है। देखिए ऐसे समझिए, इस किताब में कोई बात लिखी हुई है, संशोधन का मतलब समझिए, इस किताब में अगर कोई बात लिखी हुई है उस बात को डिलीट करना है, उसमें करेक्शन करना है, कोई नई बात ऐड करनी है, इस किताब में कोई भी छेड़छाड़ करना, मतलब किताब से मतलब मेरा भारत का जो संविधान है, मैं इसके मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि इंडियन पॉलिटी की किताब लक्ष्मीकांत की बात हो रही है, मेरा कहने का मतलब है कि संविधान एक किताब है, उसमें कोई भी नया शब्द ऐड करना हो, पुराना हटाना हो, कुछ भी करेक्शन करना हो, कोई भी कार्य करना हो, वो संशोधन कहलाता है। वो कार्य केवल संसद के दो सदन, लोकसभा अथवा राज्यसभा द्वारा ही लाया जा सकता है। लेकिन इस किताब में लिखी हुई बातों को इंप्लीमेंट करने के लिए, जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के लिए कानून की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एट्रोसिटी एक्ट आता है अपने यहां पर, है ना? तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 17 में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता का अंत हो, तो अस्पृश्यता का अंत कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ कानून बनाने पड़े, तो वो जो कानून बनाने की पावर है वो लॉ है। लॉ संसद भी बना सकती है और राज्य सरकारें भी बना सकती है। राज्य सरकारें उन्हीं मुद्दों पर लॉ बना सकती है जो राज्य सूची के विषय हो, केंद्रीय सूची के विषय पर वो लॉ नहीं बना सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? बात ये सूचियां कहां पर दी गई हैं बताइए, विषयों का बंटवारा कौन सी अनुसूची में किया गया है, राज्य सूची, केंद्रीय सूची और समवर्ती सूची, सातवीं अनुसूची में किया गया है। तो अनुसूचियों में जो बातें दी गई हैं उनके ऊपर अगर लॉ बनाने हो तो उसकी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है बेटा? चलो आगे बताओ, 79th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस चीज से संबंधित है? 79th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज से संबंधित है ये पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। एंग्लो इंडियंस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए जो सीटें रिजर्व होनी है उनके बारे में चर्चा की गई है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर ध्यान से देखने की बात करिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबली में जितनी सीटें रिजर्व हैं उसके बारे में यहां प्रस्ताव, सीटों का रिजर्वेशन याद कर लीजिएगा। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अब नहीं होगी, ये ध्यान कर लीजिएगा। 104वां संविधान संशोधन 2019, सरकार के द्वारा क्या प्रस्ताव लाया गया था कि जो दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त होते हैं अब वो आगे से, यानी 2020 से नियुक्त नहीं हुआ करेंगे, ठीक है ना? ये तथ्य एडिशनली आप याद कर लीजिएगा। Which one of the following constitutional amendment deal with fundamental duties? Fundamental duties के साथ में कौन सा संविधान संशोधन चर्चा करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से बता दीजिएगा, फिर कमेंट में ये भी बताइएगा। ये एकदम फैक्चुअल डेटा क्वेश्चंस हैं, जल्दी से करिए। सच में सर? हाँ भाई सच में, हाँ। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही। कौन सी समिति की सिफारिश थी ये, कौन सी समिति की सिफारिश थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिटर्न है, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज रिटर्न है? 11 रिटर्न है। अच्छा, 11 जो रिटर्न है इनमें से 11 ही कब ऐड की गई? पहले तो 10 ही हुआ करती थी, ये 10 से 11 कब बनी? देखो 10 बनी 42nd में, फिर 11 कब बनी? हाँ जी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था? 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों का जो पढ़ाई को लेके मूल अधिकार बनाया गया था, 21A जो फंडामेंटल राइट बनाया गया था 2002 में, जी हाँ। तो उस समय पर मूल अधिकार तो बना 21A और इधर फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ी और एक DPSP के अंदर जो आर्टिकल है उसकी लैंग्वेज चेंज हुई थी 45 के अंदर। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़े, आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स द सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार संसद की संविधान संशोधन की क्षमता को, कौन से संविधान संशोधन क्षमता को, कौन से केस के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सीमित कर दिया था कि नहीं साहब संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, मतलब कि एक प्रकार से लिमिट डाल दी गई थी, कौन सा केस था? बहुत ही प्यारा केस है, अक्सर आप में से अधिकांश विद्यार्थी इसे जानते हैं, लेकिन कंफ्यूज दो ही पॉइंट्स में होंगे आप, वो भी गए। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, स्टोरी क्या है, दो प्रश्न अक्सर आप,
जी और के, जी और के बोले तो गोलकनाथ और केशवानंद भारती, जी फॉर गोलकनाथ, के फॉर केशवानंद भारती। इसमें क्या था, गोलकनाथ वाले मुद्दे पर 1967 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और यह कहा कि जो संविधान को संशोधित करने की क्षमता है वो जो है वो सुप्रीम कोर्ट की लिमिटेड है, और फंडामेंटल राइट्स में तो बिल्कुल भी संशोधन नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स में तो बिल्कुल भी संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, ये 1967 में कह दिया। इस बात से साहब सरकार हो गई नाराज और 24वां संविधान संशोधन निकल करके आता है, और 24वें संविधान संशोधन के द्वारा बात ऐड कर दी जाती है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो पार्लियामेंट है वो कोई सी भी चीज में जब चाहे वो कर सकती है, क्या कहते हैं उसको, संशोधन कर सकती है। तो ये बात एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में थम गई थी इस बात को लेकर के, लेकिन बाद में इस बात को लेकर थोड़ा सलाह मशविरा हुआ। फिर केशवानंद भारती विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाते हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि कहीं पार्लियामेंट कल को हमारी ही पावर खत्म ना कर दे, कि ये निपटा दे कि चलो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इज्जत बचाते हुए एक नया कंसेप्ट दे दिया, और वो नया कंसेप्ट क्या था, उसका नाम था मेरे प्यारे साथियों कि बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट, यानी कि भारत की जो संविधान है उसमें मूल ढांचा दे दिया गया, ठीक है ना। तो मूल ढांचा जो है उसमें यह कहा गया कि ठीक है संसद जो चाहे वो संशोधित कर सकती है, प्रोवाइडेड वो भारत के मूल ढांचे को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगी, जो संविधान का मूल ढांचा है उसको नहीं छेड़ा जाएगा। फिर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि अच्छा अच्छा एक बात बताइए, ये मूल ढांचा होता क्या है, बोले ये अभी हमें भी नहीं पता है, धीरे धीरे जैसे जैसे केस बाई केस में पता चलेगा हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा हुआ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाँ जी प्रोविजंस को कंसिडर करने की बात की गई है। द स्टेट वाज, भाई कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं आवाज मिसमैच हो रही है, भाई आवाज का क्या किया जाए, भाई मैं तो एकदम सही सही से चल रहा हूं, मैं एक बार कॉल करा लेता हूं, एक मिनट बेटा, क्या मैं आपको सही से सुनाई और दिखाई दे रहा हूं, नहीं नेट इशू तो नहीं है गुरु यार, मतलब बिल्कुल लेके बैठे हुए एकदम, इसका मतलब है कि दिक्कत तो हो रही है, क्योंकि 20% बच्चे बता रहे हैं कि दिक्कत है। ओके तो बेटा मैं एक बार के लिए ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेश और कर सकता हूं, मेरे हाथ में केवल इसको रिफ्रेश करना है और कुछ नहीं, बाकी परिस्थितियों के साथ ही हमें जीना होगा, है ना। एक मिनट रुकिए, हाँ जी क्लियर है, हाँ बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे साथियों बस अब शायद अब ठीक हो गया हो कह सकते हैं, है ना। अगर कोई दिक्कत आए तो फिर ये सोचिएगा कि मुझे ना देखें आप और केवल आवाज पर फोकस करते चले और चलने दें कहानी को, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था मेरे प्यारे साथियों, एक विद्यार्थी ने अभी पूछा कि सर स्टेट की परिभाषा क्या है, स्टेट की परिभाषा आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 में गिवन है, जो भी सरकार एग्जीक्यूटिव कार्य करती है वो सब मेरी नजर में वो स्टेट है, सरकार तो लंबी चौड़ी भाषा में भाषण देती है, ठीक है ना। हाँ जी कंसीडर द फॉलोइंग अमेंडमेंट प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि प्लीज आप इसे इंग्लिश में समझाएं। बेटा मैंने ये जो क्लास का निर्माण किया था वहां पर मैंने भाषा ऑप्ट की थी इंग्लिश, भाषा ऑप्ट की थी हिंदी, सॉरी माफी चाहूंगा, आप अपने लिए इंग्लिश ऑप्ट कर लें तो आपको और टीचर्स दिखाई दे जाएंगे, एक बालक है काफी देर से परेशान हो रहा है बेचारा। हाँ जी द स्टेट वॉज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक एंड बैकवर्ड क्लासेस, क्या स्टेट के पास में ऐसी पावर है क्या कि वो सोशल इकोनॉमिक और बैकवर्ड क्लास के लिए कोई भी प्रोविजन बना सके। दूसरी बात, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन वर इम्पोज्ड, ये क्या होता है भाई, ये क्या होता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि कोई बात लिखी ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा, अभी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है लैंड रिफॉर्म एंड जुडिशियल रिव्यू वर प्लेस्ड इन 9th शेड्यूल फ्रॉम द अबव प्रोविजन आर कनेक्टेड विद, कौन सी चीज से ये कनेक्टेड है ये पूछा जा रहा है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, किससे कनेक्टेड है ये सारी की सारी बातें, ये आपसे सवाल पूछा गया है। मुझे मतलब ये कंफर्म है कि आप सभी लोग एकदम सही आंसर देंगे केवल एक पॉइंट के कारण। चलो 75% ने तो दिया, हाँ घटते घटते हालांकि 60% पे आ गया मामला, लेकिन जिसको ये वाला पॉइंट पता था वो सारी बातें कर ले गया, है ना। हाँ रीजन, क्योंकि औरों के बारे में तो डाउट था सर कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये वाली बात देखी ना सर, वो कल वाला क्वेश्चन याद आ गया, पहली अनुसूची जोड़ी गई थी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, मतलब जो अनुसूची है वो 9th शेड्यूल जोड़ा गया था इसके बाद, ठीक है ना, कोई बात नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वाज नॉट एडेड टू 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा संविधान संशोधन ऐड नहीं किया गया था, मतलब कौन सी भाषा जो है वो ऐड नहीं की गई थी। अब देखिए ये थोड़ा सा ज्यादा गहरा सवाल हो गया, आता हो तो करिए, अदरवाइज ऐसे सवालों को ना एक बहुत बढ़िया स्कीम होती है जिसे कहते हैं स्किप स्कीम, उसे स्किप भी कर सकते हैं, है ना, आता हो तो ठीक है अदरवाइज कटा दीजिएगा। वाह देखो लोगों ने जो है बहुत ही अच्छे से सवाल सॉल्व कर दिया, धज्जियां उड़ा दी, बहुत बढ़िया।
कई जगह मैं आप लोगों को गलत समझ लेता हूँ, है ना, मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेता हूँ आप लोगों को, लेकिन आप तो बड़े इंटेलिजेंट निकले। कैसे किया बच्चों ने? बोले सर इंडिया में नेपाली थोड़ी चलेगी। बहुत बढ़िया। हाँ जी साथियों आगे बढ़ते हैं। 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू, हाँ जी देख लीजिए एक बार, क्या पता पता ही चल जाए। हाँ जी एक विद्यार्थी कह रहे हैं यूपीएससी दे रहे हैं वो, इसलिए इंटेलिजेंट है। बहुत बढ़िया। बाई कंट्रोलिंग द मेंबर नंबर ऑफ बोथ हाउसेज इन द पार्लियामेंट, बाई कंट्रोलिंग द नंबर ऑफ लोकसभा, नंबर ऑफ द लोकसभा, बाई फिक्सिंग ए फिक्स्ड नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन लोकसभा और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ओनली बाई कंट्रोलिंग द मेंबर नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, क्या सही है? ये आपसे पूछा गया है। वैसे टेक्निकली स्पीकिंग ये जो इंग्लिश है इसकी, ये इन्होंने ट्रांसलेशन से बनाई है और गलत बनाई है, इसकी हिंदी पढ़ी जाए। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मंत्रियों की एक निश्चित संख्या निर्धारण से, क्योंकि यहां पर दो बार लोकसभा लोकसभा मतलब वो है, फीलिंग नहीं आ रही। हाँ जी करें सवाल सॉल्व, उम्मीद है सभी लोग एकदम सही आंसर दे देंगे। बेटा पेपर में सवाल बहुत आता है अमेंडमेंट से, ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी इस चीज को बहुत हल्के में ले रहे हैं मत लेना, नुकसान हो जाएगा 15%। अभी शुरुआत में मैंने पढ़ाया भी था इसको, इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अच्छा अगला सवाल बताइए और बताएं, अंडर द विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीएम्बल इज एबल टू लिमिट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ए, सॉरी प्रेसिडेंट इज एबल टू लिमिट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इन ए पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया। मतलब आप लोग पहले तो ये जानते थे कि इमरजेंसी जो होती है वो पूरे देश में लगती थी, लेकिन बाद में इसका एरिया जो है वो सीमित कर दिया गया। पता है ये केवल और केवल रीजनिंग से सवाल हो गया, मुझे पता है, मुझे 101% पता है आप लोगों ने इसे आंसर से नहीं रीजनिंग से सॉल्व किया है। जो भी अरे यार इसका मतलब कहीं की रीजनिंग पुअर है। भाई 1975 में हुए थे सारे कांड इमरजेंसी वाले, ठीक है, तो दो ही चीज निकल करके आ सकती थी कि भाई साहब 75 के अंदर इमरजेंसी थी, या तो इंदिरा गांधी जी ने कुछ किया होगा या उसके बाद वाली सरकार ने कुछ किया होगा, बाकी तो पहले वाले ही हैं, ठीक है, ये तो इंदिरा जी के नेतृत्व में चला गया, तो उसके बाद ही तो निकलना था ना जो भी निकलना था। मतलब ये बहुत ही सटीक प्रकार का आंसर था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक मिनट रुकिए, इसमें एक गड़बड़ मुझसे भी हुई है, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय आपातकाल, मुझे यार इस क्वेश्चन को ना एक बार चेक करना पड़ेगा। मैं श्योर हूं 44th को लेकर के मुझे वो चेक करना है कि जो वो टेन्योर बढ़ाया गया था वो किस में बढ़ाया गया था, 6 month करने वाला वो 44 का है, चेक करेंगे एक बार, ठीक है, मैं लास्ट में चेक करके बताऊंगा। चलिए 103rd जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड टू प्रोविजन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये एकदम ताजा सवाल है, इसको सॉल्व करिए एक बार। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश एवं रोजगार के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में संशोधन किया गया है? तो 104 को मैंने अभी हाल बता दिया आपको, 103 वाले में आपसे पूछा गया है कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया है, एक बार देखिए और फिर आंसर करिए। थम्स अप कर दीजिएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। कर दिया, चलिए लीजिए। हाँ जी एक चीज सर्च कर रहा हूं उसमें, एक छोटा सा बस कंफ्यूजन है, 44 ही है। एक सेकंड रुक जाओ बस भैया, दो एक चीज मैं कंफर्म कर रहा हूं कि वो जो लिमिटेड एरिया में नहीं, 42nd है, अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कुल हैव इंपोज नेशनल इमरजेंसी ओनली ओवर कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया, दिस अमेंडमेंट इनेबल हिम ओवर ए पार्ट ऑफ द कंट्री। भाई वो जो क्वेश्चन था ना पिछला वाला उसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज, वो 42nd है, ठीक है ना, उसमें 42nd अमेंडमेंट है जिसमें कि एक पार्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगाने की बात है, ठीक है ना। हाँ वो 42nd है, दोनों ही 1976 और 1978 दोनों ही इमरजेंसी से काफी ज्यादा संबंधित है,
ये दोनों ईयर, तो 42nd है, प्लीज वो करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सवाल पूछा गया कि कौन कौन सी चीजों में संशोधन किया गया, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, ठीक है ना। हाँ, आप लोगों की रीजनिंग सही है, मेरी रीजनिंग नहीं, मेरा नॉलेज था जो गलत हो गया, रीजनिंग सही निकल गई आप लोगों की। हाँ जी मेरे प्यारे साथियों, यहां पर 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 15 और 16 के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण देने का उपबंध करता है, ठीक है ना। तो ये तथ्य आप याद कर सकते हैं, अतिरिक्त रूप से इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में आप याद कर सकते हैं, यानी कि अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण देना एक संवैधानिक अधिकार हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर उन्हें अपने द्वारा अनुमति देनी है, यह कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था। इसको भी कुछ लोग गलत कर सकते हैं, अच्छा प्रश्न है। जी हाँ, था ये इंदिरा जी के समय पे ही, पर 24वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तब ये कहा गया कि एक बार रिटर्न किया जा सकता है, ठीक है, 1971, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संविधान के, हालांकि मतलब संविधान संशोधन बिल तो अलाउ करना ही है, लेकिन 42वें के अंदर ये ऐड कर दिया गया था कि कोई भी बिल अलाउ मतलब लौट नहीं सकता। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से उपबंध साधारण बहुमत से परिवर्तित नहीं किए जा सकते, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। आपको याद होना चाहिए संविधान संशोधन के अंदर तीन प्रकार की चीजें होती हैं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो सिंपल मेजोरिटी से परिवर्तित ना किया जा सके वो कौन सा है, क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्रिएशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर यूनियन टेरिटरी, डिफाइनिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। बताइए कौन सी चीज जो है वो सिंपल मेजोरिटी से नहीं की जा सकती, और उम्मीद है कि अधिकांश बच्चे इसका सही आंसर दे देंगे, क्योंकि मैंने कल जब संविधान संशोधन पढ़ाना शुरू किया था तब शुरुआत में ही ये वाला पॉइंट समझाया था, शुरुआत में ही, कि किन मुद्दों पर स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए बहुत बढ़िया, उस समझ से देखो कितने सारे बच्चों ने सवाल सही कर दिया है, 66% बच्चों ने सवाल सही कर दिया है, क्योंकि उनको एक कंसेप्ट याद था, याद आ गया ना, क्या था जल्दी बताओ। यस नाजिया खान, बिल्कुल बेटा, यूनियन और स्टेट के रिश्ते अगर कहीं पर भी बिगड़ते हो तो वहां पर स्टेट की परमिशन जल्दी लगेगी, जरूर लगेगी, ठीक है ना, बिल्कुल बात, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज और आर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अमेंडमेंट, भारतीय संविधान संशोधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समाहित है संशोधन के लिए। बताइए, मतलब ये सवाल पता नहीं पूछा क्यों गया है, हमें तो ये नहीं पता है, लेकिन फिर भी देखना बहुत सारे बच्चे इसको गलत करेंगे। कम से कम भटके नहीं। हाँ जी बिल्कुल सही जवाब, 368 ही है भाई, यही तो पूरा चैप्टर है। अशोक कुमार निषाद, नहीं खत्म तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, लेकिन कोई ना कोई जैसे उसकी शक्तियों में कमी करना या फिर उसका क्षेत्र अधिकार बढ़ा देना, अशोक कुमार योगी समझ लो बेटा, तो उस अशोक कुमार निषाद, ठीक है, उसके जो जजेस हैं उनका उम्र कम करना, ये सारी चीजें जो है वो आपके उसमें उपस्थित होती है ना, संसद की पावर में आती है। हाँ जी आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। बताइएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए, पहला, संविधान संशोधन में संसद के अलावा किसी अन्य निकाय या संविधान आयोग की कोई भूमिका नहीं होती, अपार्ट फ्रॉम पार्लियामेंट नोबडी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन हैज एनी रोल इन द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। नंबर दो, संसद के अलावा किसी की भी कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए जब भेजा जाता है तो इस मामले में राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए नहीं कह सकता। ये आपसे सवाल पूछा गया, बहुत ही प्यारा सवाल है, आपको इसके बारे में आंसर देना चाहिए। क्या ये दोनों कथन सही है, क्या एक कथन सही है या एक भी कथन सही नहीं है। पंकज पूछ रहे हैं कि कौन सी किताब अच्छी होगी। बेटा किताब तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी पढ़नी है तो आपको डेफिनेटली मेरे प्यारे बच्चे इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ले लेनी चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, है ना। और बात करें हिंदी और इंग्लिश की तो मैं सजेस्ट करूंगा कि दोनों ही ले लो, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने में फील आती है, मतलब इंडियन पॉलिटी को इंग्लिश में पढ़ने में मजा आता है ना। हाँ एम लक्ष्मीकांत, हाँ जी अब सुनिएगा, एक विद्यार्थी ने पूछा था कि बी वाला पॉइंट सही कैसे है। बेटा संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता ही राष्ट्रपति की अनुमति से है तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। बात समझ में आ गई, अभी तो बताया मैंने आपको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसे लौटाया नहीं जाया जा सकता क्योंकि वो प्रायर अनुमोदन से आता है, ठीक है। हाँ जी
पहले ये मतलब इंदिरा जी ने जो है वो साधारण बिल पर भी लागू कर दिया था कि राष्ट्रपति हर बात मानने के लिए बाध्य है, तो साधारण बिल पर से 44th अमेंडमेंट के द्वारा ये परमिशन हटा ली गई, ठीक है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, पूछा गया है कौन सा कथन जो है वो गलत है, क्या है? देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग इन द केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर कोई भी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग का, पूछा जा रहा है, ऐसा है क्या? पता नहीं, तुम्हें समझ में आ गया होगा, पतेंगे। हाँ जी, मैं पॉलिटिक कब शुरू करूंगा? भैया चल रही है ऑलरेडी, इंडियन पॉलिटी हमारे उसमें चल रही है, पेड बैच में, और लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा रहा हूं मैं। द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू अलाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, फॉल्स, पूछा गया है, ध्यान से सुन लीजिएगा, एक एक कथन सत्य होना चाहिए। प्रायर अप्रूवल प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, अभी हाल बताया है। द प्रपोजल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर ऑफ द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, बताइए कौन सा कथन सही है? आपसे ये सवाल पूछा गया है, मतलब कथन कौन सा रॉन्ग है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी बच्चा इसको गलत करेगा। एक मिनट, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द कॉन्स्टिट्यूशन। नो प्रोविजन, ये बात भी सही है कॉन्स्टिट्यूशन में। No. All correct है तो कटाओ इस सवाल को, चलो आगे बढ़ते हैं। Which constitution amendment has added a new article 21A? Constitution providing right to education. Right to education जो है वो कौन से constitutional amendment के द्वारा लाया गया है? अभी हाल बताया था मैंने आपको, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। और क्या क्या किया गया था ये मैंने आपको बता दिया, 2002 में आया था। सिक्किम बिकेम ए न्यू स्टेट, ये अच्छा सवाल है, सिक्किम को राज्य कब बनाया गया, ये सवाल पूछा गया है, सिक्किम राज्य कब बना? पहले तो एसोसिएट स्टेट बना था, फिर राज्य बना था, ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये था मेरे प्यारे साथियों, हमने आपसे कहा था कि इसका पार्ट टू भी लेकर के आएंगे, लेकर के आ गए। अब आप मुझे बताइए कल आप पॉलिटी में क्या पढ़ना चाहते हैं? तो मैं अधिकांश चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म कर चुका हूं, अब बचती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, इंपॉर्टेंट अगर बात की जाए तो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बलती है, मिक्स क्वेश्चन तो है ही, है ना, सी ए जी, हाँ वही कह रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जैसे यूपीएससी है ना, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, पंचायत हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अपन ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल नहीं किया है, इफ आई एम राइट, है ना, सुप्रीम कोर्ट पे ले लेते हैं पहले तो। हाँ जी, बाबूलाल जौरा, डिंपल, कविता, विपुल, अरिजीत, प्रशांत, प्रियंका, अजय, प्रियंका, सचिन बाग, चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, सीएजी, एजीआई, गवर्नर, ये वाली चीज ले लेते हैं, है ना। कट ऑफ बेटा, अपन ने आज क्वेश्चन 19 डिस्कस किए हैं, तो देर माइट बी 16 क्वेश्चन, है ना, 16 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए थे, ठीक है। हाँ, इसकी पीडीएफ तो मिली जाएगी, अभी मैं डाल देता हूं। सिर्फ पॉलिटी ऋतु, बेटा अनअकैडमी पर सिर्फ पॉलिटी का ऑप्शन नहीं होता है, मतलब यहां पर एक ही सब्सक्रिप्शन में आप ये समझिएगा कि आपको अन्य सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। और आप ये मत सोचिए कि आप केवल पॉलिटी ही पढ़ेंगे मुझसे, आने वाले समय पे मैं बहुत ही अच्छे बैचेस लेके आ रहा हूं, क्योंकि पॉलिटी पढ़ाने के बाद में जो अगला बैच आ रहा है हमारा, मैं ज्योग्राफी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूं, पॉलिटी बहुत डिटेल में ऑलरेडी चल रही है, और यहां से आगे आने वाला है करंट अफेयर्स, यूपीएससी के अंदर वो पेड बैच में आएगा, क्योंकि वो यूपीएससी लेवल का ही आएगा, है ना, करंट अफेयर जो कि प्रीलिम्स यूपीएससी को टारगेट करते हुए आएगा। तो करंट अफेयर्स में शुरुआत ही मैं साइंस एंड टेक के करंट अफेयर से करूंगा, मतलब असल में जहां से क्वेश्चंस आते हैं ना, जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से है, तो इसलिए ये सोच करके कि मतलब आप सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे तो केवल पॉलिटी के लिए ही सब्सक्रिप्शन क्यों लें, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें इसी सब्सक्रिप्शन से मेरा जो करंट आने वाला है वो भी देखोगे, और जो अन्य जो क्लासेस चल रही हैं और टीचर्स की, चाहे फिर वो किसी की हिस्ट्री की क्लास हो, मेंस की क्लास हो, एसए की क्लास हो, एथिक्स की क्लास हो, वो तो मिल ही जाएंगी, तो अपने आप में मतलब ये चीजें हो जाएंगी। तो कल एक काम करें, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लें, कल सुप्रीम कोर्ट पर क्या ख्याल है आपका, कल सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेते हैं, परसों हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं, दो चीजें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, परसों के लिए हाई कोर्ट हो जाएगा, उसके बाद में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में, फिर हम यूपीएससी, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, इस तरह से एक एक करके आगे चलते रहेंगे, डन है। तो कल सुप्रीम कोर्ट, ओके, फिर मिलते हैं आप सभी से, टिल देन टेक केयर। पीडीएफ बेटा यहां से तो डाउनलोड कर ही सकते हो, जहां पे क्लास चल रही है यहां पे भी डाउनलोड कर सकते हो, और इसके अलावा मैं अभी अपने टेलीग्राम पर भी इसे शेयर कर दूंगा, है ना। हाँ, 12 बजे जो है वो फरवरी का करंट नहीं, मार्च का करंट अफेयर है आज, अगली क्लास दोपहर 12 बजे, जिसमें हम मार्च वाला करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, ठीक है।
एग्जाम इजी ऐसे के लिए, कुछ बेटा ऐसे के लिए आर्टिकल्स पढ़ो। अलवर में कहां रहते हो? घर पर? हां ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आप सबसे। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन एट 12 PM। टेक केयर। हाँ बिल्कुल बेटा, मॉर्निंग वाला करंट अफेयर तो कंटिन्यू रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है, डन। हाँ, रेफरल कोड अंकित टेन याद कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, चलो परफेक्ट।